नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो F23 5G मोबाइल में ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाया जाएगा। दोस्तों, ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए आपको अपना सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्राइवेसी का, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐप लॉक पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको ऐप लॉक के सामने टिक इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे आपको प्राइवेसी पासवर्ड सेट करना है, तो सेटिंग पे क्लिक कर देना है। आपको कोई भी 6 अंकों का प्राइवेसी पासवर्ड बना लेना है। यहाँ पे यूज पे क्लिक करना है, यहाँ पे प्राइवेसी पासवर्ड बना लेना है। यहाँ पे यूज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कन्फर्म करना है सेम वही प्राइवेसी पासवर्ड। अब यहाँ पे फार्मर्स टीचर्स नेम में आपको कुछ भी डाल देना है। डालने के बाद सही के निशान पे क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन होंगी सारी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगी, जिसमें भी आपको फिंगरप्रिंट ऐड करना है उसके सामने टिक इनेबल करना है। जहाँ से हम फेसबुक में ऐड करेंगे तो फेसबुक के सामने टिक इनेबल कर देंगे। तो दोस्तों, हमारे अभी ये लॉक हुए इसमें फिंगरप्रिंट ऐड नहीं है, तो फिंगरप्रिंट ऐड करने के लिए आपके यहाँ पे ऊपर सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे अदर अनलॉक मेथड्स पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आएगा। इसके सामने जो है टिक डिसेबल है, इस टिक को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल में सक्सेसफुली फिंगरप्रिंट ऐड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक पहले से लगा होना चाहिए, यानी कि दोस्तों आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक पहले से लगा होना चाहिए। अगर नहीं लगा होगा तो आपको यहाँ से लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने पहले से लगा के रखा है, इसलिए हमारी ऐप में फिंगरप्रिंट ऐड हो चुका है। अब दोस्तों, ये तो रही बात है फिंगरप्रिंट ऐड करने की। अब दोस्तों आपको दिखा देते हैं कि हमारी ऐप में फिंगरप्रिंट ऐड हुआ है या नहीं। दोस्तों, यहाँ से मैंने फेसबुक में लगाया था, तो ये रहा फेसबुक। इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो वेरीफाई विद फिंगरप्रिंट यूज प्राइवेसी पासवर्ड। दोस्तों, प्राइवेसी पासवर्ड से भी खोल सकते हो और फिंगरप्रिंट से भी खोल सकते हो। तो हम फिंगरप्रिंट से खोलेंगे, तो फिंगर सेंसर में जैसे फिंगर टच किया तो हमारा फेसबुक ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप ओप्पो F23 5G मोबाइल में किसी भी ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों, वीडियो से आपको सही जानकारी मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।